Now before you get ideas, let me just tell you, this is a lamp और आपके drawing room की बहुत ही खूबसूरती से या फिर आपके किसी भी घर के corner की बहुत ही खूबसूरती से शोभा बढ़ाएगा। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर recycled alcohol bottles को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से platters का and glasses का shape दिया गया है, which you can use on a daily basis. You'll also find tea light holders और मुझे लगता है ये बहुत ही amazing, quirky yet बहुत ही fantastic gifts है। मजे की बात तो मुझे ये मोबाइल साउंड एम्पलीफायर भी लग रहा है। वैसे ही हेलो हेलो चिल्ला चिल्लाने से अच्छा है इनका इस्तेमाल कीजिए। रिसाइकल्ड है, वेस्टेज जीरो है, गिफ्ट अमेजिंग है। ट्राई कर लीजिए और मजा में रहिए जैसे कि माधुरी दीक्षित है। गर्ल माधुरी दीक्षित ने किया अपने चाहने वालों के सामने डांस। फिल्म मजामा के लिए फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है। प्राइम वीडियो की ये पहली ओरिजिनल फिल्म है और इस फिल्म को मिली सफलता के बाद माधुरी के चाहने वालों के लिए फैंस के लिए सिनेमा घर में एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखा गया, जहां माधुरी ने अपने चाहने वालों से न सिर्फ बातचीत की बल्कि उनके सामने फिल्म मजामा के गाने बूम पड़ी पर डांस भी किया। फैंस के लिए तो मानो ये दिवाली गिफ्ट मिल गया। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छी फीलिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि सभी को अच्छी लगी है, दर्शकों को ये फिल्म पसंद आई है और ना ही सिर्फ यंगस्टर्स लेकिन पूरे फैमिलीज़ के साथ ये फिल्म देखी जा रही है और हमने जो एक नरेटिव इसमें से दिखाया है ऑफ एक्सेप्टेंस, मैं चाहती हूँ कि लोग वो देखें, क्योंकि आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट आवर फैमिली मेम्बर्स फॉर हु दे आर, यू नो, और यही इस कहानी के द्वारा हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये लोगों तक बात पहुँची है और इवन इफ एक डायलॉग शुरू हो जाता है इस पर, तो बहुत बड़ी सक्सेस होगी हमारी फिल्म के लिए। माधुरी दीक्षित इस बार की दिवाली के लिए काफी उत्साहित हैं, क्योंकि एक तो फिल्म सफल हुई है और दो साल बाद परिवार और दोस्तों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने का मौका मिला है। Well, बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना और ऑफकोर्स मेरे लिए सबसे अहम है लक्ष्मी पूजन जो होता है वो, और दिवाली में सब, मतलब परिवार, सब फ्रेंड्स एक साथ आके मनाते हैं दिवाली। और दो साल के बाद ये होने वाला है, कोविड की वजह से दो साल कुछ करने नहीं मिला था, लेकिन अब मुझे लगता है जोरों शोरों से दिवाली होने वाली है। अब जरा माधुरी से ये भी जान लीजिए कि वो OTT पर क्या देख रही हैं और जनता को क्या रिकमेंड कर रही हैं। फिलहाल मैं देख रही हूँ जमतारा, जो मैंने पहला पार्ट भी देखा था, ऐसे ही देखते देखते देख लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा बना है सीज़न। और द रिंग ऑफ पावर्स जो अभी अमेजोन पे रिलीज हुई, बहुत बहुत खूबसूरत बनाई है। सो फिलहाल मैं ये दो देख रही हूँ। माधुरी से बातें करते करते ये पता चला कि वो OTT से बहुत ही प्रभावित हैं और OTT पर महिलाओं पर स्पेशल कहानियाँ भी दिख रही हैं, इस बात की उन्हें बेहद खुशी है। पर आई थिंक जब मैंने इससे पहले जो सीरीज़ की थी फेम गेम, उसमें बहुत मज़ा आया था, क्योंकि जस्ट दो घंटे नहीं लेकिन आपको 8 घंटे मिलते हैं अपनी कहानी कहने के लिए, क्योंकि एवरी एपिसोड इज़ नियरली 45 मिनट्स, और अपने कैरेक्टर को डिवेलप करने के लिए और बहुत वक्त मिलता है उसको, और जो इंट्रिकसीज होती है रिलेशनशिप्स में ये सब दिखा सकते हैं, और ना कि आप लेकिन हर एक कैरेक्टर इतना लोगों के सामने, उनकी भी स्टोरीज़ होती है छोटे छोटे कैरेक्टर्स, तो जो ऑडियंस होता है वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है पूरे प्रोसीडिंग्स में, तो आप एक अपना ही एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लोग देखने आते हैं उस वर्ल्ड को, तो वो एक बहुत अच्छी बात है OTT की। सेकेंडली, जब आप OTT के लिए फिल्म या सीरीज़ बनाते हैं आप, तो थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए जो सब क्या कहते हैं टेंशन होते हैं, जो
कि पहला फ्राइडे और कितनी कमाई की, ये सब नहीं होता। आप OTT पे अपनी कहानी अपने तरीके से अपनी भाषा में आप बता सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग टू मी। एंड ऑफ कोर्स इट्स एन अमेजिंग टाइम फॉर वुमेन ऑल्सो, सिर्फ फिल्मों में नहीं लेकिन इवन OTT पे, क्योंकि बहुत सारी सीरीज़ बन रही हैं जहाँ पे औरतें पूरी सीरीज़ कैरी कर रही हैं। थिएटर्स में भी अब बहुत अच्छी फिल्में बनने लगी हैं वुमेन ओरिएंटेड। आई थिंक मेरे करियर में आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे पावरफुल रोल्स मिलते गए, लेकिन अब जब मैं देखती हूँ इंडस्ट्री को, मुझे ऐसे लगता है कि वुमेन के लिए एक बहुत अच्छा वक्त है फिल्मों में और सीरीज में। हैप्पी दिवाली सभी दर्शकों को, मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। मुंबई से बॉबी मंधाने की रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।